अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुकर्रम राब, देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान बचाओ का कारवां इस वक्त हलानी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन यहां पे एक वाकया पेश आया। 3 मोबाइल फिर जो है वो निकाल दिए गए। सिक्योरिटी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम मामलों को कंट्रोल किया जाए और लोगों को बता रहे हैं कि अपनी जेबों की, अपने मोबाइल्स की, पैसों की, पर्स की हिफाजत करें, लेकिन उसके बावजूद चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। जेब कुतरे होशियार हो चुके हैं, पूछते हैं और इनसे जानते हैं कि जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं उसके बावजूद ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मैसेज को एक लाइव लेके आ रहे हैं। देखिए जी, अभी हम पूछिए हलानी राय अपना सिंध के इलाके में है तो क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी भी सामने कहां तो मैं ये कहूंगा सबको, दोस्तों को ये कहूंगा कि जो आगे काफिले को देख रहे हैं, जो आगे आप जो इस्तकबाल कर रहे हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैसेज सिर्फ आपको आगाह करने का है, क्योंकि बार बार हमारे कायदीन माइक में ऐलान करते हैं अपनी जेबों का ख्याल करो, जेबों का ख्याल करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो लोग जो मुतहरक जो हुए हुए हैं, जेब कतरे पकड़े भी हैं, काफ़ी चीज़ें रिकवर भी करके लोगों को दी हैं हमने, लेकिन उसमें ये है कि हमारा इस मैसेज का मकसद ये है कि आप लोगों को ये मैसेज भेजने, देखें पब्लिक सर्विस मैसेज है जो ये दे रहे हैं कि आप आगे से आगाह करें, जहाँ पे भी आप इस्तकबाल के लिए दोस्त अब आप खड़े हैं, अगर आप खड़े हैं तो आप पीछे किसी को अपने सारे मोबाइल बटुए निकाल के दे दें, ठीक है। उसमें ये होगा जिस टाइम आप अपने कायद को मिलने के लिए आते हैं उस टाइम एकदम झूमट बन जाता है, झूमट जब बन जाता है तो उनको बड़ा ईजी मिल जाता है मौका। जी जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे अभी सिंध में आगे हमने पंजाब में जाना है, जहाँ कहीं भी जाना है, जिस शहर में भी जाना है, एज इट इज जहाँ पे भी जाना है, मैं यही कहूँगा चाहे छोटा इस्तकबाल है चाहे कहीं पे बड़ा इस्तकबाल है। जी जी। तो ये मैं अपना भाई गुरम के चैनल के तौर पर यही कहूँगा, आपको मैसेज दूंगा कि आप अपने मोबाइल्स, अपने पैसे, अपनी कीमती एशिया की हिफाजत करें। खुदारा, वो आपका नुकसान नहीं, वो हमारा नुकसान है। आपका इतना कीमती डाटा होता है उसमें, इतना कीमती सब कुछ होता है, यानी कि आईडी कार्ड है, कुछ कागजात हैं, वो फिर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये समझ लेंगे हमारे कायदीन बार बार हर जगह पे जहाँ पे इस्तकबाल होता है वो माइक में कह रहे थे अपनी जेबों का ख्याल करें। अब तक कितने मोबाइल जो है वो निकाले जा चुके हैं, पर्स निकाले जा चुके, कितना बड़ा नुकसान हो चुका है? सर मेरे ख्याल में जितने निकले उनमें से हमने ना तकरीबन 25 के करीब ना रिकवर भी किए हैं। रिकवर भी किए? जी हाँ जी, कर रिकवर जेब कुतरे पकड़े हैं। हाँ जी हाँ जी, पत्र पकड़े हैं तो उनसे भी रिकवरी भी की है, कुछ पीछे रहे हैं रात को भी, जैसे वो आके कुछ देखे गए हैं दो चार मोबाइल, तो रिकवरी भी हो रही है। लेकिन कहने का वक्ती तौर पे तो टेंशन है ना भाई मेरे, वक्ती तौर पे तो टेंशन है ना। अब देखें ना पूरा, यानी कि हम आधे पाकिस्तान को हमने रिकवर करना है, तो आधे पाकिस्तान का मसला अभी हमने कुछ हिस्सा सिंध का किया, अभी हमारा 10-15 दिन का अभी आगे टूर है। उससे पहले ये मैसेज खुर्रम भाई के चैनल के तसव्वुर से मैं कह रहा हूँ कि अपनी जेबों का ख्याल रखें। बिल्कुल जी, मैसेज इन्होंने हमें दिया है। यहाँ पे अभी कुछ ही देर पहले हमने एक मामला देखा था, साद हुसैन रिजवी साहब का जो मरकजी कंटेनर है उसके साथ एक पेट्रोल से भरा हुआ कंटेनर भी गुजर रहा था और फिर उसके बाद गाड़ी को रोका गया, काफिले को रोका गया। वो मामला क्या था वो भी बताइए किस हवाले से। जी कुछ नहीं, वो बस ज़रा ना वो ड्राइवर से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो ड्राइवर ने जाना था दूसरी सड़क पे तो वो आ गया, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसने ना वो अपनी गाड़ी को रोके तो दोबारा पीछे कर लिया। सिक्योरिटी के मामला तो आप देख रहे हैं और कितनी मुश्किलात का सामना, ये भी बताएं ताकि आप लोगों के साथ जो लोग तावुन नहीं करते वो तावुन करें। बस हम ये कहेंगे देखिए भाईजान, जहाँ भी आते हैं धक्का जोई ना किया करें, डिसिप्लिन के साथ एक चलें, एक लाइन में चलें, कतार में चलें। मेरा कायद हर एक बंदे को टाइम दे रहा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, जो भी आता है मेरा कायद हर बंदे को अच्छे तरीके से मुसाफा करता है, मिलते भी हैं और सब कुछ साथ भाई हर बंदे को प्रॉपर, हर बच्चे से लेके बूढ़े तक दे रहे टाइम। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है एक डिसिप्लिन की नजर जब्त करें, जैसे आपने माशाल्लाह कराची से लेके इतना यानी कुछ 450 किलोमीटर का सफ़र किया, किसी का पता नहीं टूटा, किसी की कोई चीज़ नहीं टूटी, इतना डिसिप्लिन है। तो जब अपने कायद को भी देखें उस टाइम भी अपने जज्बात पे काबू रखे, कंट्रोल रखे और एक डिसिप्लिन के साथ एक लाइन पे आए, लाइन में आके अपने कायद को मिले और कायद हर बंदे को टाइम दे रहा है। आपने देखा है अगर एक जगह पे काफिला खड़ा होता है, उनको बकायदा अजरक पहनाते हैं, उनसे मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और जो मजदूर अफराद है नीचे उतर के उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चों को बिठाते हैं अपने पास और प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। यही एक अंदाज है जो लीडर का एक अंदाज होना चाहिए, अवामी लीडर की मिसाल पेश कर रहे हैं जी। अच्छा ये चलें, ये तो बात हो गई, बात करते हैं आप पे। आपने जो ये लाहौर से गए हैं कराची स्पेशल और कराची से अब यहाँ पे आ गए हैं, फिर लाड़काना जा रहे हैं, आप थक तो नहीं गए हैं कि ये ना हो कि आप कहें मुझे वापस भेज दिया जाए? क्या जज्बे उसी तरह बरकरार हैं? ये आपने ना मुझे एक जोक मार दिया है, बताएं
जो भी इस तहरीक में आया हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अगर किसी को शुगर थी आप मिले ऐसे दोस्तों को, स्पोर्टी वालों को, किसी को शुगर थी, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को कोई मसला था, वो सब बिल्कुल सबकी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, जो इस काफले में अपना मंगाई के खिलाफ मार्च में निकला है ना, सबकी थकावट की बात यह है कि 1% नहीं है, बिलीव कीजिएगा 1% नहीं है। एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है इंसान में, वो अल्लाह की तरफ से हमें मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके देखे 45, 44, 46, 47 दर्जा हरारत है। बिल्कुल ठीक है, इतने दर्जा हरारत के बावजूद भी आपने किसी किस्म की सिक्योरिटी की टीम में कोई कमी देखी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक्टिव है, और जहाँ पे देखते हैं कोई मसले मसाइल है फौरन से पहले भागते हुए आते हैं और उन मामलों को कंट्रोल करते हैं। नहीं, मसले मसाइल नहीं, मसले मसाइल से पहले की बात है, जहाँ पे हमारे कायद का कंटेनर रुकता है, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी की टीम उसी टाइम फिर फौर वहाँ पे पहुँच जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अपना वो सारा मुहासरा कंटेनर करके फिर उसी तरीके से वो इस्तकबाल। तो खाने पीने का ख्याल कैसे करते हैं, क्या खा पी रहे हैं इस गर्म मौसम भाई? हम ना खाने पीने का आपके सामने खुरम भाई, खाने पीने को बिल्कुल लाइट किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब और सिंध के पानी में और हवा में बहुत फ़र्क है। मे भी आपको भी कोई मसला मसाइल हुआ होगा मेरे ख्याल में। देखिए, पानी चेंज होता है तो फिर उसके साथ साथ जब नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन इंसानी जिस्म है, इंसानी जाना, बीमार भी होना है फिर उसके बाद तंदुरुस्त भी होना है, लेकिन परहेज़ ज़रूरी है, पानी पिए इस गर्म मौसम में। अच्छा, लास्ट में अपने कारखानों के नाम कोई पैगाम देना चाहें, कोई दिल में बात हो, कोई मोहब्बत के पैगाम आते हो, जहाँ जिस शहर में जा रहे, पंजाब में जा रहे हो, गुजरांवाला हो, लाहौर हो, और वहाँ पे जो इस्तकबाल होने उस वाले से भी ज़रा डिटेल से बताएं, और आखिर में पैगाम दे दे कोई। जी, सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूँगा थकावट के वाले से। कराची में आए, जब कराची से काफला निकला, माशाल्लाह शुक्रिया अदा करेंगे कराची का। सबसे पहले कराची वो इतने थकावट थी, इतना थकावट थी लाहौर से, नेक्स्ट डे हमारा फिर ये रैली थी, थकावट थी आपके सामने सब कुछ था, लेकिन जब कराची की आवाम को देखा सारी थकावट ख़त्म हो गई। जिस दिन हम सिंध के लिए निकले हैं, अपना सॉरी हैदराबाद के लिए निकले हैं, आपके सामने उस दिन भी काफ़ी गर्मी थी, 48 के करीब, 47 के करीब सिंध का दर्जा रहा था, तो आपके सामने कंटेनर में बैठे हुए थे, तो लेकिन जब हम आए थकावट हुई ज़रूर, लेकिन जब हम हैदराबाद के शहर में इंटर होते हैं, आवाम का यंग जनरेशन को देखा, यंग जनरेशन जो पीटीआई कहती थी कि उनका लीडर कहता था कि यंग जनरेशन मेरे साथ है, यूथ मेरे साथ है, लेकिन वो वाली जो इमरान खान के साथ है वो है कौमे यूथ, और ये वाली जो है ये समझदार यूथ कह लें, यंग जनरेशन में कहूँगा, यूथ नहीं कहूँगा, यूथ का लफ्ज़ उन्होंने यूज कर लिया ना, यंग जनरेशन, ठीक है, हम तो ये यूज करेंगे। मैंने देखा, मैं अपने कायद को वैसे, मैंने कहा कायद देखें, तो कहने का मतलब जब मैंने वो देखा हैदराबाद का देखा, यकीन करें कि इतना कि मैं दोबारा मोटिवेट हो गया, एक्टिव हो गए, ये नहीं है मैं, मेरी सारी टीम एक्टिव, जज्बे बहाल हो गए। आपके सामने इंटरेस्ट पे हुआ इस्तकबाल, उसके बाद हैदर चौंक पे हुआ, उसके बाद रात के तकरीबन 3:30-4 बज गए, साढ़े रात हम इस्तकबाल में गुजारा। रही बात आगे, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो आगे अपना मुल्तान हो, बावलपुर हो, रहीम यार खां हो, सादकाबाद हो, सखर हो, जो भी हो, अपना एवरीथिंग गुजरांवाला, लाहौर है, अभी सारे टोन बाकी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं अभी? सर ये तो प्राइवेसी है, ये तो मैंने नहीं बताएं, लाड़का ना होगा उससे आगे सखर और रोड़ी ये हो। अभी ना ये सिक्योरिटी के कुछ प्लान होते हैं, कोई आगे वो तो ठीक, आपको पता है कि ये चीज़ें कुछ होती हैं प्लान में होती है, तो वो सीनियर्स के पास होती है, क्योंकि प्राइवेसी सीक्रेट्स जो है वो इनके अपने हैं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मजीद आपके सामने नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं अपने होस्ट में, अगर मुझे दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।